हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इस चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्या दे रखा क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, तो 5 रेड हैं 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन हैं। तो हम पहले टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ो, पहले टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, कितने हो गए 5 + 8 + 4, टोटल कितने हो गए 17। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स क्लियर हुआ, नंबर ऑफ बॉल्स हो गई हमारी कितनी है, टोटल 17 है। अब फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, उसने बोला है कि एक मार्बल को रेंडमली ड्रॉ कर लिया गया है बॉक्स से, तो हमें ये बताना है कि जो मार्बल निकाला गया है वो रेड है। ठीक है, तो पहले किसकी पॉसिबिलिटी पूछी है हमसे, रेड की, कि रेड आने के कितने चांसेस हैं, कि जो आप बॉक्स से मार्बल निकालोगे कि वो रेड ही निकलेगा, तो रेड कितने हैं, 5 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5। क्या है ये, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। और अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल, आप पूरा लिख लेना, आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल अपॉन में पॉसिबल, एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। तो फेवरेबल कितने हमारे, रेड कितने बॉल्स है 5 और टोटल कितनी है 17। तो ये आ गया हमारा आंसर, कैंसिल होंगे नहीं ये। ठीक है, 5 और 17 एक साथ किसी के टेबल में आते ही नहीं है, अगर आता है कोई ऐसी डिजिट तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। अब आ गया सेकेंड पार्ट, वाइट बॉल कितनी है, तो वाइट कितनी है 8 है। तो यहाँ पे फेवरेबल हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 8। ठीक है, क्या है ये, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। क्लियर हुआ, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वाइट बॉल्स की, प्रोबेबिलिटी क्या आई, फेवरेबल कितने हैं 8 हैं और टोटल कितने हैं 17 है। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ठीक है, इजी है इसीलिए मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट करा है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो करेंगे हम 14, जो आपका स्टैटिस्टिक है, जिसमें हम मीन मोड और मीडियन करेंगे। इंटरेस्टिंग है बहुत, उस चैप्टर करने में भी बहुत मज़ा आएगा। अब नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो, ग्रीन कितने हैं 4, उसने बोला नॉट ग्रीन, ग्रीन के अलावा, ग्रीन के अलावा वाइट और रेड, तो 5 और 8 कितने हो गए 13। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे 13। ठीक है, बॉल्स कौन सी नहीं है, जो क्या नहीं है, नॉट ग्रीन। ठीक है, बॉल्स आर नॉट ग्रीन, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 13/17। क्लियर हुआ, 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, टोटल आउटकम कितने थे 17। पहले पूछे गए हमसे रेड की पॉसिबिलिटी कितनी है, रेड के कितने 5। फॉर्मूला लगाया फेवरेबल न्यूमरेटर में आता है, पॉसिबल डिनोमिनेटर में, 5/17। फिर पूछा गया वाइट की, वाइट कितनी बॉल्स थी, सॉरी मार्बल्स से 8, तो 8/17। नेक्स्ट पूछा गया नॉट ग्रीन, ग्रीन पूछा जाता तो 4/17 होती, नॉट ग्रीन पूछा गया तो क्या आ गई पॉसिबिलिटी, कि ग्रीन के अलावा जो बॉल्स हैं, सॉरी मार्बल्स हैं, उनको आप प्लस करके यहाँ पे लिख दो, वो फेवरेबल हो जाएंगे आपके। ठीक है, पॉसिबल तो क्योंकि क्वेश्चन एक ही है तो पॉसिबल तो वही आउटकम्स रहेंगे। क्लियर हो गया 9th क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं होता। क्या बोला गया, एक पिगी बैंक है, उसमें क्या है 150 पैसा कॉइन है। पहले हम देख लेते हैं 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं 100 हैं, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, कितने हैं 100। फिर उसने बोला है क्या,
50 रुपी 1 कॉइन, 50 1 रुपए के सिक्के हैं, नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन, ठीक है कितने हैं 50 है, ठीक है कितने 50। फिर पूछा गया है, बोला गया है क्या 22 रुपी कॉइन्स है, ठीक है 22 रुपी कॉइन्स है, 20 है, फिर क्या कहा गया है नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं 10 है, ठीक है। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं कितने हो गए 180 हो गए, ठीक है 150, 170 और 180, तो टोटल पॉसिबल आउटकम, तो पिगी बैंक में टोटल कितने सिक्के हैं 180 कॉइन्स है, तो ये हमारा क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने आ गए 180 आ गए, क्लियर हुआ। अब उसने बोला है कि अगर पिगी बैंक को हम उल्टा कर देते हैं तो इक्वल चांसेस है कि एक कॉइन बाहर आएगा, ठीक है, तो अब वो कॉइन जो बाहर आएगा तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो कॉइन बाहर आएगा कि वो 50 पैसा कॉइन होगा, ठीक है 50 पैसे का कॉइन होगा, 50 पैसे का कॉइन कितने है 100 है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो गए 100 हो गए। फर्स्ट पार्ट में हमारा फेवरेबल कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 100, क्या 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल डिवाइडेड बाय पॉसिबल, ठीक है कैंसिल हो गया और कैंसिल हो जाएगा 2 5 2 9, तो 5/9 आ गई यहाँ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, ये 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, तो 5 रुपए को नहीं देखना, विल नॉट लिखा है, विल बी लिखा होता तो 5, विल बी लिखा होता तो 5 को देखते हम, तो कितने 10, ठीक है 10 में 1/80 होती, लेकिन यहाँ नॉट आ गया तो 5 को नहीं काउंट करना है आपको, बाकी सबको देखना है, ठीक है, तो कितना हो गया 100, 150 कितना 150 हो गया, 100 प्लस 50 और ये 170, तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए कितने हो गए 170, ठीक है विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, ठीक है 5 रुपी कॉइन नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल क्या है 170 और पॉसिबल कितना है 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया 17/80, ठीक है 17/80 ना आ गया आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पहले हमने कॉइन्स लिख लिए किसके कितने कॉइन्स है, ठीक है 50 के कितने थे 100, 1 के कितने थे 50, 2 के 20, 5 के 10, टोटल कर लिया वो हमारा पॉसिबल आउटकम हो गया। फिर पूछा गया 50 पैसा कॉइन क्या कितने होंगे, ठीक है कि जी अगर क्या हो रहा है पिगी बैंक को हम अपसाइड डाउन कर रहे हैं, ठीक है उल्टा कर देते हैं उसे, तो कितने एक सिक्का बाहर निकलेगा, वो सिक्का 50 पैसे कॉइन का होगा, तो 50 पैसे कितने थे 100, तो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितने आ गए 100/180 कैंसिल होकर 5/9 आ गया, ठीक है। फिर पूछा गया विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपए नहीं है, 5 को छोड़ देंगे, बाकी सबको प्लस करके प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे, ठीक है अब आपको खुद से बताना है कि 1 रुपी कॉइन आने के चांसेस कितने, पॉसिबिलिटी बतानी है 2 की, ठीक है 1 और 2 की आपको कमेंट करके बताने है, ये आपका होमवर्क है। आई होप अब आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।